इसमें भी आज हम क्वेश्चन ही देखेंगे, अगर जिसको पिछले उसमें क्वेश्चन करने में कुछ परेशानी आई होगी तो आज करके अच्छे से समझ लेंगे। तो हमने जनरली देखा क्या था कि जो भी हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन होती है, व्यापक द्विशंकु द्विघात समीकरण जो होती है वो क्या होती थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक हो गया। अब जैसे ही हमको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, हमेशा एक कोई इसी तरह की कोई इक्वेशन दी होगी ना, कोई जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन तो ये हुई लेकिन कोई और इक्वेशन दी होगी, उसमें कहते हैं वो जनरल ना हो तो उसमें क्या होगा, जो कोफिशियंट है, जैसे यहाँ पर जो जनरल इक्वेशन में कोफिशियंट क्या क्या है, कोफिशियंट मतलब गुणांक, हिंदी में उनको क्या कहते हैं, गुणांक। तो यहाँ पर जो जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक है यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, ए एच डी जी एफ सी, ये सब क्या है, कोफिशियंट है ना। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक की बात करें तो क्या होगा, ए, और या फिर कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या कह देंगे हम, ए। तो हम कोई भी हमको जो द्विघात समीकरण दी होगी तो डायरेक्टली हम कैसे पता कर सकते हैं है? उसके कोफिशियंट के बेसिस पे कि वो क्या है, मतलब वो हमारा इलिप्स है, सर्किल है, हाइपरबोला है ना। तो अगर तो वही चीज यहाँ आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो अगर हमारा एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो, एच स्क्वायर क्या है हमारा, एच हमारा क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई या फिर एक्स वाई का गुणांक ना, जो व्यापक द्विघात समीकरण में जो एक्स वाई का गुणांक होगा उसे हम क्या कहते हैं, एच। तो अगर हमारा एच स्क्वायर लेस देन ए बी है तो हमारा दीर्घवृत्त बनाएगा। उसी तरह के तरीके से अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है तो परवलय बनाएगा, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है तो अति परवलय बनाएगा। ये सेम आप समझ रहे होंगे, ये सेम एज एसेंट्रिसिटी की तरह भी काम कर रहा है। इसेंट्रिसिटी में भी क्या होता था, इसेंट्रिसिटी अगर इक्वल टू जीरो थी, अगर इसेंट्रिसिटी इक्वल टू जीरो होती थी तो क्या होता था, हमारा वृत्त बनाता था, लेस देन वन में इलिप्स बनाता था, इक्वल टू वन में पैराबोला बनाता था और ग्रेटर देन वन में हाइपरबोला बनाता था। तो वैसे ही यहाँ पर अगर एच स्क्वायर और ए बी के अंदर अगर इस तरह का रिलेशन है, लेस देन ए बी है तो दीर्घवृत्त होगा, इक्वल टू है ए बी के एच स्क्वायर तो परवलय, ग्रेटर देन ए बी के होगा तो अति परवलय। उसी प्रकार से अगर कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर यानी कि ए और बी अगर बराबर है और एच इक्वल टू हमारा जीरो है, एच इक्वल टू जीरो है तो हमारा क्या बनाएगा, वृत्त, क्या बनाएगा, सर्किल, सर्किल या वृत्त। वो मैंने परसों भी अगर पहला सेशन चला था तो हमने वहां पर भी आपको बताया था कि अगर कोई भी इक्वेशन इस तरीके से दी हूं, कैसी, कि जिसमें जो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर बराबर हो और सेम साइन के हो, बराबर हो और सेम साइन के हो, और दूसरी कंडीशन क्या थी कि एच अगर हमारा जीरो है तो इक्वेशन हमारी हमेशा सर्किल बनाएगी। तो वही कंडीशन यहाँ भी है, देखिए यहाँ पर भी एच बराबर जीरो है और कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर जो कि हमारे ए और बी है अगर बराबर है और एच हमारा जीरो है तो हमारा वृत्त बनाएगा। इन इन चीजों को जो भी है, जो यहाँ पर जो सारणी है ना, जो एक टेबल जैसी बनी हुई है, इसमें जो भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंप्यूटर के अगर एग्जाम वगैरह भी दे रहे हैं अगर वहाँ भी आपको बहुत हेल्पफुल करेगा, क्योंकि वो तो अधिकतर ऑप्शनल वाइज ही रहता है। तो डायरेक्टली कोई भी जनरल इक्वेशन दे दी जाएगी, सॉरी जनरल इक्वेशन नहीं, कोई पर्टिकुलर इक्वेशन दी जाएगी, जनरल इक्वेशन तो यही है ना, या फिर जनरल इक्वेशन भी दी हुई है और पूछा जाए कि परवलय कब बनाएगा तो नीचे से चार ऑप्शन डाल दिए तो इनमें से कोई ऑप्शन होगा, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। अगर ए और बी हमारा जीरो है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक वाई स्क्वायर का गुणांक हमारा जीरो है तो आयती अति परवलय बनाएगा या फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाएगा। अगर डेल हमारा जीरो है, डेल क्या होता था पिछले सेशन में हमने पढ़ा था, डेल की वैल्यू क्या थी, एबीसी, एबीसी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस का बी जी स्क्वायर माइनस का सी एच स्क्वायर, यही तो हमारे डेल था। अगर ये डेल की वैल्यू अगर हमारी जीरो है तो जो हमारा जो इक्वेशन दी होगी, जो द्विघात की समीकरण होगी, वो कैसी होगी, वास्तविक अथवा काल्पनिक दो सरल रेखाएं होंगी, वास्तविक होंगी या फिर काल्पनिक दो सरल रेखाएं होंगी। अब कब वास्तविक होंगी और कब सरल रेखाएं होंगी वो हमने पिछले सेशन में बताया था आपको ना। वैसे ही अगर डेल स्क्वायर, डेल बराबर जीरो है और एच स्क्वायर अगर ए बी है तो हमारी जो रेखाएं हैं वो समानांतर, समांतर रेखाएं होंगी या फिर समांतर मतलब पैरेलल रेखाएं होंगी, सम पैरेलल रेखाएं होंगी। अब यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे हमको
इक्वेशन दे रखी है हमको, जनरल तीन इक्वेशन ऑफ कोनिक दे रखी है। हाँ, उसमें हमको क्या क्या बताना है, उनके केंद्र बताने हैं, केंद्र के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, और केंद्र से गुजरने वाले अक्षों के सापेक्ष स्थानकों का समीकरण के बताना है। ये दोनों ही डेरिवेशन, कैसे हम केंद्र निकालते हैं, किसी का सेंटर निकालते हैं, और कैसे अक्षों के सापेक्ष स्थानकों का समीकरण निकालते हैं, ये हमें पिछला जो जस्ट डेरिवेशन था इससे ऊपर वाला ना, आपकी जो पीडीएफ होगी उसमें इससे जो जस्ट ऊपर वाला है वो इसी का डेरिवेशन है कि कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी पहला वाला ले लेते हैं। जैसे जैसे इसने जो इक्वेशन दे रखी है इसको हमने जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया। जनरल इक्वेशन हमारी क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस इक्वल टू जीरो, ये हमारी जनरल इक्वेशन थी। तो हम सारे इक्वेशन जो भी हमको दी होंगी हमेशा पहले इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके हम जो भी कोफिशियंट है, जो जो भी हमारे कोफिशियंट होते हैं उनको हम निकाल लेंगे ना। जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या है, पहले वाली इक्वेशन में 12 है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, 12 12 हो जाएगा। उसी तरह एक्स वाई का गुणांक यानी कि एच, वहां पर क्या होता था, टू एच एक्स वाई, वहां पर होता था टू एच एक्स वाई, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर क्या है माइनस 23 एक्स वाई है, तो अगर हम उस फॉर्म में बनाएंगे इसे टू एच एक्स वाई की फॉर्म में, तो दो से गुणा भी कर देंगे, दो से भाग दे देंगे। तो कहने का मतलब यह है हमारा, जो हमारा एच की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, माइनस का 23/2। तो सिमिलरली वैसे ही बी इक्वल टू 10 अदर कोफिशियंट हम निकाल लेंगे। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पर क्या किया, एच स्क्वायर निकाला और ए बी निकाला। ठीक हो गया। और हम यहाँ पर जाहिर सी बात है यहाँ पर एच स्क्वायर हमारा ग्रेटर देन ए बी आ रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारे वहाँ सारणी में क्या कंडीशन होती थी, अगर जब एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हो तो क्या होता था हमारा, वो हमारा अतिपरवलय होता था यानी कि हाइपरबोला होता था। अब बात आती है कि सेंटर निकालते हैं, इसके सेंटर कैसे निकालें, और दूसरा हमको क्या निकालना है, अक्षों के सापेक्ष स्थानकों का समीकरण भी निकालना है। तो सबसे पहले हम सेंटर की बात करते हैं। तो इस जो इससे पहले वाले डेरिवेशन में देखिए, जो हमारा पहले वाला जो जस्ट डेरिवेशन था, ये होते थे ना केंद्र के निर्देशांक, जो हमारे केंद्र के निर्देशांक होते थे, जैसे मेरा कर्सर जा रहा है वैसे वहां पर देखिए, ये हमारे केंद्र के निर्देशांक होते थे। और ये हम कैसे निकालते थे, ये इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके निकालते थे, जो हमारी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 थी, इन दोनों को सॉल्व करके निकालते थे। तो वैसे ही हमको क्या हुआ दिया है, और यहाँ पर एक्स बार और वाई बार क्या थे, हमने केंद्र के निर्देशांक मान लिए थे, वैसे ही जो हमको यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है हम यहाँ पर भी मान लेंगे कि एक्स बार और वाई बार केंद्र के निर्देशांक है ना। तो ठीक हो गया, यहाँ पर हम केंद्र के निर्देशांक एक्स बार और वाई बार मान लेंगे। उसी तरीके से तो यहाँ पर 3 और 4 इक्वेशन हम कैसी बन जाएगी, ए हमको वहां पर इक्वेशन में हमारा हमने कंपेयर करके निकाल लिया है, एच भी निकाल लिया है, जी भी निकाल लिया है, तो हमारा जो ए एक्स बार प्लस एच वाई बार प्लस जी इक्वल टू जीरो एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन हुई है हमारी एच एक्स बार प्लस बी वाई बार प्लस एफ इक्वल टू जीरो। इन दो इक्वेशनों को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे केंद्र के निर्देशांक निकलेंगे, केंद्र के निर्देशांक मतलब एक्स बार और वाई बार निकलेंगे। तो हम उसी इक्वेशन पे उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर उसने वही जो यहाँ पर इसने दो इक्वेशन लिखी है ना, ये वही दो इक्वेशन लिखी है 3 और 4 ना, बस यहाँ पर क्या है जो ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर हमको क्योंकि इक्वेशन दी हुई है तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। तो जो हमारी दो इक्वेशन है वो क्या है, 12x बार और एक्स बार वाई बार यहाँ पर इसके लिए है, हमने मान लिया कि जो कोई भी सेंटर जो भी हमारा सेंटर निकल रहा होगा वो मान लो क्योंकि द्विघात समीकरण पढ़ रहे तो एक्स वाई में सेंटर एक्स वाई टाइप का होगा ना, तो हमने जो सेंटर के निर्देशांक मान लिए हैं एक्स बार और वाई बार है। सिमिलरली सेम वैसा ही है जैसा कहते हैं हमको डेरिवेशन में हमने किया था। तो 12x बार माइनस 20 ये माइनस 23/2 वाई इंटू वाई बार माइनस 25/2 इक्वल टू जीरो एक इक्वेशन हो गई हमारी। सिमिलरली हमारी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी माइनस 23/2 एक्स बार प्लस 10y बार प्लस 13 इक्वल टू जीरो। हम जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको एक्स बार और वाई बार मिल जाएंगे। सॉल्व आपको करना आता ही होगा 10th क्लास का, ये जो इक्वेशन सॉल्व कैसे करते ये सब आप पहले से पढ़ चुके हैं, ये सब आपको आने चाहिए सॉल्व करना। तो एक्स बार और वाई बार हमारे निकल गए 2.1। ठीक हो गया। अब दूसरी चीज हमको क्या निकालनी, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, केंद्र से गुजरने वाले अक्षों के सापेक्ष स्थानकों का समीकरण क्या थी। तो वही सेम जो पहला वाला डेरिवेशन था वहां पर क्या था, उसमें इक्वेशन कैसे निकालते थे,
जो हमारी यली इक्वेशन होती थी इक्वेशन फाइव, जो हमारी इक्वेशन फाइव होती थी ये अक्षों के साथ क्या होती थी, सांभव का समीकरण ना, मूल बिंदु से गुजरने वाले अक्षों के सापेक्ष सांभव का समीकरण होती थी। वो क्या होती थी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस डेल अपॉन ab अपॉन ab अपॉन ab माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो। या तो आप क्या करो, या तो आप डायरेक्टली इस इक्वेशन को याद कर लो ना, या तो आप डायरेक्टली इस इक्वेशन को याद कर लो। अगर आपको ये याद है, डेल की वैल्यू आपको पता ही है, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर होती है ना, तो सीधे आपको कोफिशिएंट आपको सारे पता ही है, सीधे आप वैल्यू पुट करिए और कहते हैं आंसर, ये आपका जो इक्वेशन आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा ना। इसको याद कर लीजिए, या फिर आप क्या याद कर लीजिए, इस इक्वेशन को याद कर लीजिए, जी एक्स बार प्लस एफ वाई बार प्लस सी, जी एक्स बार प्लस एफ वाई बार प्लस सी, इस इक्वेशन को याद कर लीजिए ना। यहाँ पर क्या करना है, x बार और y बार केंद्र के निर्देशांक होते हैं, ये आपने निकाल लिए हैं। c बराबर क्या होता था, c बराबर क्या होता था, c भी आपको दिया हुआ है, c भी जब हमने इक्वेशन को हमने जब भी कंपेयर किया था वहां से अपना c भी निकलता है, या फिर आप ये इक्वेशन को याद कर लीजिए, तो आपकी मर्जी है। आप उसको अगर सॉल्व जब पेपर आता है आप पूरे तरीके से सॉल्व करते हैं, या फिर आपको अगर याद है तो आप डायरेक्टली वैल्यू को पुट कर देते हैं, वहां से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये देखिए आपके क्वेश्चन में क्या भी है, ये देखिए यहाँ पर आपके इक्वेशन, यहाँ पर वैसे भी सॉल्व किया है, जी एक्स बार प्लस एफ वाई बार प्लस सी इक्वल टू जीरो कर दिया है हाँ, और कहते हैं जो ऊपर वाली इक्वेशन जो रखी थी वहां पर हमने सी वन की वैसे, जहाँ पर सी वन है, यहाँ पर जो सी वन जो निकाल रहा है ये असल में है क्या, ये डेल अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी ही है ना। तो या तो आप चीजों को याद करके डायरेक्टली भी पुट कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है कि लंबा लिखना है। उसी तरीके से सेकेंड और थर्ड जो एग्जाम्पल उसने पूछे उसी तरीके से हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, सेम चीज है, ऐसा उसमें कुछ अंतर नहीं है। अब एक यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए उदाहरण दो, उदाहरण एग्जाम्पल टू जो आपके जो एस एल एम है, ठीक हो गया। ये क्या कह रहा है, समीकरण इक्वेशन x माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो किस वक्र को निरूपित करता है या किस कर्व को शो करता है। अब यहां से एक चीज देखिए आप, इस इक्वेशन में क्या कह रहा है, x माइनस कोई भी दो नंबर है, कोई भी दो नंबर है x y a, सब कोई ना कोई तो नंबर होंगे। अब आप खुद ही सोचिए x और y को जब मैं घटा रहा हूं, जब कोई दो नंबर हो घटा रहा हूं उनका स्क्वायर कर रहा हूं, अब घटा के तो हो सकता है या तो पॉजिटिव नंबर ही आ रहा हो या तो निगेटिव नंबर आ रहा हो। अब जैसे ही मैं उसका स्क्वायर कर दूंगा तो वो हमेशा पॉजिटिव बन जाएगा, इसका तो आप समझते होंगे। वैसे ही x में से a घटाया ना, या तो हो सकता है वो निगेटिव हो या तो वो पॉजिटिव हो, लेकिन हम जैसे इसका स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए दो पॉजिटिव इस इक्वेशन में देखिए, यहाँ पर x माइनस का होल y का होल स्क्वायर प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर, ये दोनों पॉजिटिव नंबर है। क्या ऐसा हो सकता है कि दो पॉजिटिव नंबरों को हम जोड़े और जीरो मिल जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन सिर्फ होगा तभी, या तो वो दोनों के दोनों नंबर जिनको हम जोड़ रहे हैं वो आपस में ही जीरो, सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है कि दो जी, या तो x माइनस का x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो है वो भी जीरो है और x माइनस ए का होल स्क्वायर वो भी जीरो, तभी हम दो नंबरों को जीरो को जोड़ेंगे तभी जीरो हमको मिलेगा, और किसी भी कंडीशन में हमको मिलेगा ही नहीं ना। तो जाहिर सी बात है, अब ठीक है तो इन दोनों का सम अगर जीरो के इक्वल आ रहा है तो जाहिर सी बात है x माइनस वाई का होल स्क्वायर भी जीरो हो रहा होगा और x माइनस ए का होल स्क्वायर भी जीरो होगा हो रहा होगा। तो यहाँ से x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर जीरो करेंगे तो x बराबर वाई मिलेगा, वैसे ही x माइनस ए का होल स्क्वायर को अगर हम जीरो करेंगे तो x माइनस ए x इक्वल टू ए मिलेगा। तो यहाँ पर से जाहिर सी बात है x बराबर वाई भी मिल गया, x बराबर ए भी मिल गया, तो यहाँ पर हम तीनों कह सकते हैं कि x बराबर वाई बराबर ए। तो इस समीकरण का हल क्या होगा, इस समीकरण का हल क्या होगा, x बराबर a और y बराबर a, x बराबर a और y बराबर a। तो इस समीकरण का हल होगा
जो कि निर्देशांकों में दिया हुआ समीकरण एक बिंदु ए कोमा ए को निरूपित करेगा। इस आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब हम सेकेंड चैप्टर में चलते हैं। जो इसके अभ्यास प्रश्न में बहुत सारे आपके एक्सरसाइज में एग्जाम्पल दिए हुए, ये क्वेश्चन दिए हुए, सब में एक ही तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, केंद्र निकालना है और अक्षों के सापेक्ष सांद्रताओं का समीकरण निकालना है। सेम हम अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस भी कर लिया है और सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आराम से इसमें हो जाएंगे, कुछ नहीं करना है इसमें। अब आता है अगला आपका जो यूनिट है स्फीयर, गोला, गोला यानी कि बॉल, यानी कि बॉल। अभी तक हम वृत्त पढ़ते थे, सर्किल, एक डिस्क, डिस्क सर्किल मतलब यानी कि एक डिस्क। तो और गोला में अंतर क्या होता है, जो आपका सर्किल होता है वो टू डायमेंशन होता है, टू डायमेंशन एक्स और वाई। हम जनरली पढ़ते क्या है, दो डायमेंशन पढ़ते हैं ना, अभी तक इंटर में आपने पढ़ा होगा, थ्री डायमेंशन भी पढ़ा होगा, अब तो इंटर में थ्री डायमेंशन भी आ चुका है, पहले के टाइम पर दो डायमेंशन टू डायमेंशन तक ही पढ़ होता था। तो जो हमारा स्फीयर होता है, सॉरी, जो हमारा सर्किल होता है वो हमारा टू डायमेंशन होता है और स्फीयर हमारा थ्री डायमेंशन होता है, यानी कि उसका वहां पर हम टू डायमेंशन में उसका एरिया निकालते थे, हा? क्या होता था सर्किल का एरिया, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर लेकिन हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं, यहाँ पर क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। अब स्फीयर की डेफिनेशन क्या है, यदि एक बिंदु समष्टि स्पेस में इस प्रकार भ्रमण करे कि उसकी दूरी एक स्थिर बिंदु से सदैव अचर रहती हो, तो उस बिंदु के बिंदुपथ को हम क्या कहते हैं, गोला। उस बिंदु के बिंदुपथ को हम क्या कहते हैं, गोला। यानी कि एक ये मान लीजिए, एक मैंने एक रस्सी ले ली है, यहाँ पर ऐसे एक रस्सी ले ली है, इस पॉइंट को तो मैंने फिक्स्ड कर दिया है, मतलब इसको तो मैं मूव नहीं कराऊंगा, लेकिन इस पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को मैं मूव करा रहा हूँ, चारों ओर ऐसे मूव करा रहा हूँ, तो मेरा क्या बनेगा, इसको तो मैंने फिक्स रखा है और इसको मैंने मूव कराया है, चारों ओर ऐसे मूव कराऊंगा तो फाइनली मेरे को क्या मिलेगा, एक गोला, क्या मिलेगा, स्फीयर। ठीक हो गया, वही इसकी डेफिनेशन है। अब हम इसके समीकरण को कैसे निकालें, जो है हम गोले के समीकरण को कैसे निकालें, ये देखिए, हाँ, सी कोई पॉइंट, फिक्स पॉइंट माना है जिसको हम केंद्र कहते हैं, सी कोई, सी हमने कोई फिक्स पॉइंट माना है। हेलो हेलो, ये आपका किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज माइक ऑफ करें। हाँ, ये माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें अपना। हाँ, ठीक हो गया, तो सी मेरा सेंटर हो गया गोले का और पी मैंने कोई जनरल पॉइंट मान लिया, जनरल पॉइंट मैंने बताया था ना, एक पॉइंट को मैंने पिक कर दूं और दूसरा मेरे इस पॉइंट को मैं मूव करा रहा हूँ, मूव करा रहा हूँ, इसको मैंने जनरल पॉइंट ले लिया पी, हाँ, और इसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या ले लिए, थ्री डायमेंशन में एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ठीक हो गया, अब हम इजीली जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि दो पॉइंट दे रखे हैं हमको, एक पॉइंट हमारा सी सेंटर हो गया एबीसी और एक हमारा कोई जनरल पॉइंट हो गया एक्स कोमा वाई कोमा जेड। इन दो के पॉइंटों के बीच की दूरी, इन दो पॉइंटों के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर होता है। हाँ, अभी बीच की दूरी, क्योंकि एक पॉइंट मैंने फिक्स किया है, दूसरे पॉइंट को मूव करा रहा हूँ, तो ये बीच की, जब मैं जिस पॉइंट, जब इस पॉइंट को मूव करा रहा हूँ, तो ये बीच की दूरी नहीं बदलेगी, ये बीच की दूरी नहीं बदलेगी, ये समझ में आ रहा होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जैसे हम सर्किल में रेडियस कहते थे, यहाँ भी क्या कहेंगे, रेडियस या त्रिज्या। तो इसको मैंने आर मान लिया, तो अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है और जो किसके बराबर निकल के आई है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हमारे गोले की इक्वेशन हो गई, ये हमारे गोले की इक्वेशन हो गई, जिसका सेंटर ए बी सी पर है और जिसका जिसकी रेडियस आर है। अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, उस स्फीयर की इक्वेशन निकालो जिसका सेंटर कोई पॉइंट वन टू थ्री है और रेडियस फोर है, तो सीधे क्या हो जाएगी, कि उसकी इक्वेशन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस थ्री का होल स्क्वायर, क्योंकि उसके ना सेंटर क्या है, वन टू थ्री, और रेडियस अगर मैंने फोर मानी है, इक्वल टू फोर स्क्वायर, उस स्फीयर की इक्वेशन हो जाएगी।
अब देखिए, अब जो हमारी इक्वेशन वन है, जो हमारी इक्वेशन वन है क्या है, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस z माइनस c का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अब मैंने इसको मतलब इसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक हो गया, इसको मैंने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। तो x माइनस a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2x, वैसे ही y प्लस स्क्वायर प्लस सॉरी वैसे ही माइनस 2by प्लस जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cz इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर दिया, जब मैंने इसको एक्सपेंड किया, इक्वेशन टू देखिए, जब हमने इसको एक्सपेंड कर दिया तो इक्वेशन टू क्या है, एक्सपेंड जो हम इक्वेशन वन को एक्सपेंड करेंगे तो यही आएगा। इसमें हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर जो स्क्वायर वाले टर्म थे वो एक साथ लिख दिए, चाहे वो एक्स स्क्वायर हो चाहे वाई स्क्वायर हो चाहे जेड स्क्वायर हो, वैसे ही एक्स के एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट एक साथ लिख दिया, बाकी जो भी बचा बाकी जो भी जो बचा उनको एक साथ लिख दिया, यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म कह सकते हैं ना। अब यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर स्पेयर की जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं, स्पेयर की जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन के लिए हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर ए बराबर माइनस यू मान लिया, ए बराबर माइनस यू मान लिया, बी बी बराबर माइनस वी मान लिया, सी बराबर माइनस का डब्ल्यू मान लिया, और ए जो ए स्क्वायर प्लस बी जो कॉन्स्टेंट टर्म जो हम एक तरफ ले गए थे वो क्या थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, हाँ इन सबको हमने डी मान लिया, ठीक हो गया। तो जो हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या बन जाएगी, अब जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स टू बी वाई प्लस 2wz plus d equal to 0। अब यहां से देखो, इक्वेशन 2 भी देखो और इक्वेशन 3 भी देखो ना, क्या होगा, अब आगे जब भी आपको क्वेश्चन दिए होंगे, जब आगे जब जो भी क्वेश्चन आपको दिए होंगे वो क्या दिए होंगे, एक ऐसी ही कोई इक्वेशन दे दी जाएगी। हेलो, ये माइक ऑफ करिए अपना प्लीज, माइक ऑफ करिए अपना प्लीज। और आगे क्या होगा, आपको ऐसे कोई इक्वेशन दे दी जाएगी और पूछा जाएगा ये स्फीयर का सेंटर बताओ, इस स्फीयर की रेडियस बताओ। अब यहाँ इक्वेशन टू और थ्री को अगर आप गौर से देखो, इक्वेशन टू और थ्री को गौर से देखो, तो जनरली हमारा इक्वेशन क्या थी, जो हमारी जो हमारा जो स्फीयर था उसका सेंटर क्या था, एबीसी, और एबीसी को हमने यहाँ पर क्या माना है, इक्वल टू माइनस यू माना है, सेंटर को क्या माना है, इक्वल टू ही माइनस यू तो माना है, वैसे ही बी को हमने माइनस बी माना है और सी को हमने माइनस डब्ल्यू माना है। तो इक्वेशन थ्री, इक्वेशन थ्री जो स्फीयर की जो हमारी जनरल इक्वेशन निकली है, इसका सेंटर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या था सेंटर, एबीसी, ऊपर सेंटर एबीसी तो था, जब हमने मेन डेरिवेशन को हम सोल्व करके तो ला रहे हैं यहाँ पर जनरलाइज एक्सपेंड तो किया हमने कुछ इक्वेशन को, तो वहां पर सेंटर एबीसी था। तो यहाँ पर जो इक्वेशन थ्री में इक्वेशन थ्री जो जनरल इक्वेशन है उसका सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू, ये बात आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ए बी सी है और ए बराबर क्या है, माइनस यू ही तो है, तो सेंटर क्या हो जाएगा, इक्वेशन थ्री का, इक्वेशन थ्री का सेंटर जो स्फीयर दे रखा है उसका सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू। इन थिंग इसमें देखिए, जो रेडियस थी, जो रेडियस थी वो क्या हो जाएगी, सिमिलरली जो रेडियस थी वो क्या हो जाएगी, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी, माइनस का डी। तो जनरली अब हमको करना क्या है, कोई भी हमको एक इक्वेशन दी होगी कहेगा बताओ कि ये जो बोले की इक्वेशन है इसका सेंटर बताओ, सीधे कर देंगे सेंटर क्या हो जाएंगे हमारे, उसका पहले हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे, जो इक्वेशन थ्री है, जो भी इक्वेशन दी हुई होगी उसको हम जनरल जो इक्वेशन थ्री है उससे कंपेयर कर लेंगे, कोफिशियंटों को हम कोफिशियंटों की वैल्यू निकाल लेंगे, हाँ उसके बाद अगर सेंटर पूछ रहा है तो माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू हमारे सेंटर हो जाएंगे, और रेडियस पूछ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी, ये हमारा सेंटर हो जाएगा, ठीक हो गया। जैसे क्वेश्चन दिया भी है, एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल वन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, गोले की इक्वेशन क्या दी है, स्फीयर की इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y
प्लस टू जेड माइनस फाइव इक्वल टू जीरो ये दी हुई है। इसमें इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो ना, वृत्त हमको हमेशा जनरली दिया क्या होता है टू डायमेंशन में, स्फीयर हमको दिया हुआ है थ्री डायमेंशन में। अब देखो वृत्त की कंडीशन क्या होती थी, जब जो जनरल इक्वेशन हमने पहले चैप्टर में पढ़ा, जनरल इक्वेशन में मैंने कहा था कि वृत्त कोई भी जो जनरल जो भी इक्वेशन दे रखी है उसमें अगर एच बराबर जीरो हो, यानी कि एक्स वाई का गुणांक जीरो हो ना, और दूसरी चीज बोली थी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट एक ही चीज हो ना, एक ही नंबर हो। यहां पर भी देखो, यहां पर एक्स वाई का गुणांक तो यहां भी नहीं आया है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स वो गुणांक यहां भी नहीं आए हुए ना। दूसरी चीज एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो दोनों सेम नंबर है। इस सेम चीज जो जो हमारे वृत्त में जो था वो हमारा टू भले ही टू डायमेंशन था, लेकिन जो हमारे जो कॉन्सेप्ट है जो उसको बनाने का जो कॉन्सेप्ट था कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, वो सेम लाइक वो सेम यहाँ भी चल रहा है, वो सेम हमारा यहाँ भी चल रहा है। तो हमको यहाँ पर इस एग्जाम्पल वन में हमसे पूछा गया है इस गोले का केंद्र और त्रिज्या निकालने का, तो आप सब लोग आराम से निकाल लेंगे इसे ना, कुछ नहीं करना है, कंपेयर करना है जो भी इक्वेशन दी है उसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है ना। कंपेयर करने के बाद जैसे इस इक्वेशन में यहाँ पर एक चीज और करी हुई है, देखो यहाँ पर एक चीज और करी हुई है, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर जो कोफिशियंट था हाँ, उनके जो कोफिशियंट वैसे तो कॉमन कोफिशियंट था, इनको हमने कॉमन लेके बाकी सब में डिवाइड कर दिया, यानी कि जैसे यहाँ पर टू है ना, टू से हमने भागा दे दिया, टू से हमने डिवाइड कर दिया इक्वेशन को। अब टू से जो डिवाइड करने के बाद जो हमारा फिर हम इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से ना। अब देखिए यहाँ पर सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते थे, माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू होते थे, और जब हम इसको कंपेयर करेंगे क्या होता था टू यू एक्स, जनरल इक्वेशन में क्या होता था टू यू एक्स, तो यू बराबर क्या है और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस वन है खाली, तो टू यू एक्स और माइनस वन अगर हम यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यू इक्वल टू हमारा क्या आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस तो पहले से ही है, यू बराबर मेरा क्या आ जाएगा वन बाई टू। अब हेलो आवाज आ रही है मेरी, आप पेन जी आ रही है आवाज आपकी, हाँ आप पेन पेंसिल लेके कर रहे थे, करने की कोशिश कर रहे हो थे, ये नहीं आ रहा समझ में, कर रहे हैं सेंटर निकालना आ गया होगा, सेंटर निकालना कुछ नहीं करना है, कंपेयर करना है ना। निकाल रहे हो आप लोग, हेलो हाँ जी सर उतार रहे हैं उतार रहे हैं, उतारना नहीं है निकालना है, ऐसे सॉल्व कर उतार के करोगे। ये पीडीएफ तो सभी के पास होगी ना एसएलएम की, यस सर यस सर। चलो ठीक है, तो गोले के केंद्र हमारे क्या आ जाएंगे हाफ माइनस वन माइनस हाफ। सर ये पीडीएफ इंग्लिश में नहीं मिल सकती, ये पीडीएफ ये हिंदी में ही बनी हुई है, इंग्लिश में नहीं मिल पाएगी, लेकिन हाँ जैसे अगर जो भी आप चीजें देख रहे हो चाहे वो गोला हो चाहे जो स्फीयर हो, और उसके बाद जो जो चैप्टर आएंगे कोन वगैरह जो भी चैप्टर आएंगे वो आपके जो मॉडल यूनिवर्सिटी की बुक है या तो गढ़वाल यूनिवर्सिटी की बुक है जहाँ से भी आप पढ़े तो सेम ही है ना। सर एक्चुअली मेरे पास बुक कोई नहीं है ना, तो मैं इस पीडीएफ से ही पढ़ रही थी, तो अब कोई वर्ड समझ नहीं आ रहे तो फिर मेरे को गूगल पे सर्च करके करना पड़ रहा है, और कुछ तो मिल भी नहीं रहे हैं। देखिए मैडम ऐसा करिए ना, आप जैसे यहाँ पर एक स्फीयर वाला चैप्टर है तो जरूरी नहीं है कि आप स्फीयर को आप कोई भी आप तो ऑनलाइन कितनी किताबें मिली है पीडीएफ, ऑनलाइन किसी भी उससे स्फीयर पढ़ लीजिए, एक ही चीज है। देखो पेपर तो आपका तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में बन के आएगा, आपकी मर्जी आपको किस में देना है ना, चीजें तो थोड़ी बदली होंगी, जो सेंटर यहाँ जो हिंदी में लिख रहा है वही इंग्लिश में भी लिख रहा होगा, निकालने का तरीका भी वही होगा, बस वो लिखा हिंदी में अंतर इतना है। लेकिन अभी हाँ जो फिलहाल जो आपका क्वेश्चन है कि इंग्लिश में मिलेगी नहीं मिलेगी, हमारे पास अभी इंग्लिश में हम अभी आगे बना रहे हैं ना, हमारा अभी कहते हैं जो फर्स्ट ईयर का हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, अभी हम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में काम कर रहे हैं, तो
हम आगे आने वाले जो सेशन में जो बच्चे आएंगे उनके लिए इंग्लिश भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जो अभी किताबें हैं अभी हमारी किताबें बनी नहीं हुई है, इसलिए हम दूसरी यूनिवर्सिटी से बोरो कर रहे हैं। आप किताब से आगे देख भी रहोगे वर्धमान यूनिवर्सिटी का किताबें हम बोरो कर रहे हैं, तो उनकी हिंदी में ही है, तो इसलिए वैसे थोड़ी परेशानी फेस करनी पड़ रही है। ठीक हो गया। उसी तरीके से अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर क्या होता था, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी, तो हमारा सेंटर भी निकल जाएगा। अब हम आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या पूछ रहा है, एक समतल एक स्थिर बिंदु एबीसी से गुजरता है। ठीक हो गया। कोई प्लेन किसी पॉइंट एबीसी से पास होता है एवं निर्देशांकों को एबीसी पर काटता है, मतलब जो वो प्लेन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए बी सी पॉइंट्स पर काटता है। ठीक है। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस को जैसे एक्स एक्सिस को काटता है, तीन यहाँ पर थ्री डायमेंशन पार्ट है, तो एक्स वाई जेड तीन एक्सिस होंगी, और जो भी हमारा जो प्लेन है, जो जो प्लेन है पहले तो किस पॉइंट से होकर गुजर रहा है, किस पॉइंट से होकर पास हो रहा है, ए बी सी से तो पास हो रहा है। दूसरा एक्सिस को ए बी सी तीन पॉइंटों पर काट रहा है, जैसे आप फिगर में भी देख सकते हैं। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक समतल एक स्थिर बिंदु एबीसी से गुजरता है एवं निर्देशांकों को एबीसी पर काटता है। सिद्ध करो कि गोला या फिर स्फीयर ओएबीसी के केंद्र का बिंदु का पथ, सिद्ध करो कि गोले ओएबीसी के केंद्र बिंदु का पथ क्या होगा। ये जो दिया हुआ है ये हमको प्रूफ करना है, जहां पर ओ हमारा मूल बिंदु 000 है, मूल बिंदु मतलब ओरिजिन है। अब देखो ये फिगर देखिए, सबसे पहले तो ये प्लेन हमारा क्या हो रहा है, किसी पॉइंट एबीसी से गुजर रहा है, तो इस बात को किनारे रखो। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को ए बी सी तीन पॉइंट पर काट रहा है। ठीक हो गया। अब जिन पॉइंटों पर काट रहा है तो उनके किसी ना किसी पॉइंट पर तो काट रहा होगा, उनके उन पॉइंटों पर कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होंगे। अब आप जानते हैं टू डायमेंशन में क्या होता था, एक्स एक्सिस की इक्वेशन आपने पढ़ी होगी क्या होती थी, वाई इक्वल टू जीरो। एक्स एक्सिस की इक्वेशन अगर हम ऐसे टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं, हम एक्स से तो एक्सिस बनाते थे, एक ऐसे और एक ऐसे, नीचे वाले को एक्स एक्सिस कहते थे, ऊपर वाले को वाई एक्सिस कहते थे ना, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती थी, वाई बराबर जीरो। तो सिमिलरली उसी प्रकार से अभी हम यहाँ भले ही यहाँ पर थ्री डायमेंशन में पढ़े, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, वाई बराबर जीरो एंड जेड बराबर जीरो। समझ में आ गया होगा। वैसे ही y एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x बराबर जीरो और z बराबर जीरो, और z एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x बराबर जीरो और y बराबर जीरो। तो इसका मतलब z बराबर कुछ ना कुछ होगा, x एक्सिस की इक्वेशन में y बराबर जीरो है, z बराबर जीरो है, इसका मतलब x बराबर कुछ ना कुछ होगा। अब जो हमारा जो प्लेन है वो x एक्सिस को a पर काट रहा है, तो हमने ना तो x बराबर कुछ ना कुछ तो होगा, तो हमने अल्फा मान लिया, तो a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, अल्फा 0 0। सिमिलरली b के कोऑर्डिनेट हमने 0, 0, β, 0 मान लिया, और वैसे ही c के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो गए, 0, 0, γ। अब यहाँ पर देखो जो इसका सॉल्यूशन है, ये कह रहा है माना समतल निर्देशांकों को क्रमशः a b c जिनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उसने पर काटता है। ठीक हो गया। अतः समतल का समीकरण इसने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया हुआ है, अतः समतल का समीकरण या फिर अतः इसका मतलब सो द इक्वेशन ऑफ प्लेन इसने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दी है क्या, कि x अपॉन अल्फा है, क्या है, x अपॉन अल्फा प्लस y अपॉन बीटा प्लस z अपॉन गामा इक्वल टू 1, इसने डायरेक्टली लिख दिया। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे, हमने जो हम प्लेन की इक्वेशन होती क्या है, आपने इंटर में पढ़ा होगा, क्योंकि प्लेन तक तो शायद आपका सिलेबस है। प्लेन की इक्वेशन क्या होती थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, लिख लीजिए कॉपी में। जनरली प्लेन की इक्वेशन होती क्या है, प्लेन की इक्वेशन होती क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो होती है। अब ठीक हो गया। अब प्लेन की इक्वेशन है, अब प्लेन एक्सिस को ए बी सी पॉइंट पर काटता है, इसका मतलब ए बी सी पॉइंट पर काटता है, तो इसका मतलब जो अल्फा जीरो जीरो है, उस प्लेन की इक्वेशन जो मैंने कह रहा हूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जीरो, तो इसको सेटिस्फाइड करेगी, तो इस पॉइंट को वहां पर पुट कर देंगे, मतलब एक्स बराबर अल्फा रख देंगे और वाई के वाई वाई बराबर जीरो जेड बराबर जीरो रख देंगे,
तो हमको वहां पर से कुछ एक कंडीशन मिलेगी, ठीक हो गया। वैसे ही बी से जो प्लेन है हमारा, बी से भी गुजर रहा है, बी के पॉइंट को भी पुट कर देंगे, फिर हमको एक कंडीशन मिलेगी, कुछ ना कुछ मिलेगा। फिर सी के, सी से भी होकर गुजर रहा है प्लेन, इस पॉइंट को भी वहां पर पुट कर देंगे ना, तो कुछ हमको मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है, तो हमको वहां से जो हमने जो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन मानी थी ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जीरो मानी थी, तो वहां पर हमको ए की वैल्यू मिल जाएगी। कहने का मतलब क्या है, ए की वैल्यू मिल जाएगी, बी की वैल्यू मिल जाएगी, सी की वैल्यू मिल जाएगी। आप लोग अगर कॉपी पेन में कर रहे होंगे तो आप जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे करके देखेंगे, तो फाइनली फाइनली जो इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगी वो यही बन के आएगी जो इसने यहाँ पर डायरेक्टली लिखी हुई है। किसी को समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता दूं, बताओ। हेलो, किसी को यहाँ पर ये इक्वेशन डायरेक्टली यहाँ पर कैसे लिखी है, अगर नहीं समझ में आया है तो मैं दोबारा बता सकता हूँ। हेलो सर, एक बार और बता। अच्छा, नहीं आया समझ में, क्या करना है, देखो जो हमारा प्लेन है ये कह रहा है एबीसी पॉइंट से होकर गुजर रहा है, एबीसी का हमने कोऑर्डिनेट तो मान लिया। अब यहाँ पर एक डायरेक्टली लिख दे रहा था, समतल का समीकरण एक्स अपॉन अल्फा प्लस वाई अपॉन बीटा प्लस जेड अपॉन गामा इक्वल टू वन होगा, ये डायरेक्टली लिख रहा है ना। मैं बता रहा हूँ कि हम ये डायरेक्टली तो नहीं लिखेंगे, हम इसको निकालेंगे, या फिर हम इसको कैसे निकालते हैं, हम जनरली इक्वेशन ऑफ जो प्लेन होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, ठीक हो गया। अब ये प्लेन हमारा ये तीन पॉइंटों जो ए बी सी दिए हुए हैं यहाँ से होकर गुजरता है, ठीक हो गया। अब अगर यहाँ से होकर गुजरता है तो इनके इसकी जो ये पॉइंट है ए, उस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी, यानी कि जो हम उस प्लेन की इक्वेशन मतलब जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जीरो को सेटिस्फाइड करेगी, तो ए के कोऑर्डिनेट हम वहां रख देंगे, तो वहां से हमको एक रिलेशन बनेगा ना, ए क्या क्या रिलेशन बनेगा, इस अल्फा को अगर इस अल्फा कोमा जीरो को अगर हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जीरो में पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ए अल्फा, क्योंकि बाकी तो जीरो है और लास्ट में डी है, तो ए अल्फा प्लस डी बराबर जीरो मिलेगा, समझ में आया होगा। फिर जीरो कोमा बी पॉइंट को पुट करेंगे तो क्या कंडीशन मिलेगी, बी बीटा प्लस डी बराबर जीरो मिलेगा, ठीक हो गया। फिर सी पॉइंट को पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, सी गामा प्लस डी बराबर जीरो। अब यहाँ पर तीन कंडीशन मिल गई, अब तीनों में एक चीज देख रहा होगा आप, डी 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 कॉमन आ रहा है, ए अल्फा प्लस डी बराबर जीरो आएगा, बी बीटा प्लस डी बराबर जीरो आएगा और सी गामा प्लस डी बराबर जीरो आएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ से हम ए बी सी तीनों की वैल्यू, तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डी अपॉन अल्फा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डी अपॉन अल्फा, वैसे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डी अपॉन बीटा, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डी अपॉन गामा। अब इन ए बी सी तीन वैल्यू मिल गई, हम फिर इनको उसी प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देंगे जो क्या थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जीरो थी, उसमें हम पुट कर देंगे, तो जो हमारी फाइनल इक्वेशन जो बनेगी ना, इसको हम सॉल्व करेंगे ना, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो वो यही बनेगा, एक्स अपॉन अल्फा प्लस वाई अपॉन बीटा प्लस जेड अपॉन गामा इक्वल टू वन। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। यस सर, आ गया, ठीक हो गया। अब तो प्लेन की इक्वेशन हमारी निकल गई। अब देखो क्योंकि यह समतल स्थिर बिंदु एबीसी, अब ये प्लेन क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि जो ये प्लेन है ये हमारा एबीसी से होकर गुजरता है, तो डायरेक्टली बात है इससे होकर अगर गुजरता है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसके वैल्यू हमने पुट कर दिए तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन वन जो लिखा हुआ है उसने क्या हो जाएगा, ए अपॉन अल्फा प्लस बी अपॉन बीटा प्लस सी अपॉन गामा, क्यों हो गया। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है, अब गोला बनाओ कह रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध करो कि गोला ओ ए बी सी के केंद्र का बिंदु, के केंद्र के बिंदु का बिंदुपद क्या होगा, ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पर देखिए स्क्रीन में एक गोला बना देंगे, कैसा गोला बनाएंगे, ए से सी को मिलाता हुआ, बी को मिलाता हुआ, ऐसा, तो एक गोला बना देंगे, गोला बना देंगे। एक चीज मैं थोड़ा सा बताना है यहाँ पर, पहले उसमें ये गोले वाले डेरिवेशन में बताना भूल गया था, हमारी जो गोले की इक्वेशन क्या होती थी, कहा मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर
यही तो होता था एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई। क्या करना है देखो, जो हमारा प्लेन है ये कह रहा है एबीसी पॉइंट से होकर गुजर रहा है, एबीसी का हमने कोऑर्डिनेट तो मान लिया। अब यहाँ पर एक डायरेक्टली लिख दे रहा है आता समतल का समीकरण x अपॉन अल्फा प्लस y अपॉन बीटा प्लस z अपॉन गामा इक्वल टू 1 होगा, ये डायरेक्टली लिख रहा है ना। मैं बता रहा हूँ कि हम ये डायरेक्टली तो नहीं लिखेंगे, हम इसको निकालेंगे या फिर हम इसको कैसे निकालते हैं। हम जनरली इक्वेशन ऑफ जो प्लेन होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होती है वो होती है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब ये प्लेन हमारा ये तीन पॉइंटों जो ए बी सी दिए हुए हैं यहाँ से होकर गुजरता है। ठीक हो गया। अब अगर यहाँ से होकर गुजरता है तो इनके इसकी जो ये पॉइंट है ए उस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी, यानी कि जो उस प्लेन की इक्वेशन मतलब जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जीरो को सेटिस्फाइड करेगी। तो ए के कोऑर्डिनेट हम वहाँ रख देंगे तो वहाँ से हमको एक रिलेशन बनेगा ना, ए क्या क्या रिलेशन बनेगा इस अल्फा को, अगर इस अल्फा कोमा जीरो को अगर हम उस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जीरो में पुट करेंगे तो क्या बनेगा ए अल्फा, क्योंकि बाकी तो जीरो है और लास्ट में डी है तो ए अल्फा प्लस डी बराबर जीरो मिलेगा। फिर जीरो कोमा बी पॉइंट को पुट करेंगे तो क्या कंडीशन मिलेगी बी बीटा प्लस डी बराबर जीरो मिलेगा। ठीक हो गया। फिर सी पॉइंट को पुट करेंगे तो क्या मिलेगा सी गामा प्लस डी बराबर जीरो। अब यहाँ पर तीन कंडीशन मिल गई। अब तीनों में एक चीज दे रहा होगा आप, डी 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 कॉमन आ रहा है, ए अल्फा प्लस डी बराबर जीरो आएगा, बी बीटा प्लस डी बराबर जीरो आएगा और सी गामा प्लस डी बराबर जीरो आएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ से हम ए बी सी तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस डी अपॉन अल्फा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस डी अपॉन अल्फा, वैसे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस डी अपॉन बीटा और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस डी अपॉन गामा। अब इन ए बी सी तीन वैल्यू मिल गई, हम फिर इनको उसी प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देंगे जो क्या थी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जीरो थी, उसमें हम पुट कर देंगे तो जो हमारी फाइनल इक्वेशन जो बनेगी ना इसको हम सॉल्व करेंगे ना, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो वो यही बनेगा एक्स अपॉन अल्फा प्लस वाई अपॉन बीटा प्लस जेड अपॉन गामा इक्वल टू 1। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। यस सर, आ गया। ठीक हो गया। अब तो प्लेन की इक्वेशन हमारी निकल गई। अब देखो क्योंकि यह समतल स्थिर बिंदु एबीसी, अब ये प्लेन क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि जो ये प्लेन है ये हमारा एबीसी से होकर गुजरता है, तो डायरेक्टली बात है इससे होकर अगर गुजरता है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी तो क्या हो जाएगा इक्वेशन वन जो लिखा हुआ है उसने क्या हो जाएगा ए अपॉन अल्फा प्लस बी अपॉन बीटा प्लस सी अपॉन गामा। क्यों हो गया। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है, अब गोला बनाओ कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि सिद्ध करो कि गोला ओ ए बी सी के केंद्र का बिंदु के केंद्र के बिंदु का बिंदुपद क्या होगा ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पर देखिए स्क्रीन में एक गोला बना देंगे, कैसा गोला बनाएंगे ए से सी को मिलाता हुआ बी को मिलाता हुआ ऐसा, तो एक गोला बना देंगे एक चीज मैं थोड़ा सा बताना है यहाँ पर पहले उसमें ये गोले वाले डेरिवेशन में बताना भूल गया था, हमारी जो गोले की इक्वेशन क्या होती थी कहा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, यही तो होता था एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस टू एफ वाई, क्या होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू बी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी बराबर जीरो, एक हमारी गोले की इक्वेशन होती है जनरल इक्वेशन ऑफ गोल स्फीयर। अगर ये स्फीयर कभी भी हमारा मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन से होकर गुजरेगा, इसको ध्यान रखिएगा, कोई भी हमारा जनरल इक्वेशन हमको गोला दिया हुआ है अगर वो मूल बिंदु से होकर गुजरेगा तो उसमें जो फाइनल जो लास्ट का टर्म है ना जनरल इक्वेशन में डी प्लस जो डी वो हमेशा जीरो होगा, जैसे जो इक्वेशन तीन यहाँ पर जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा इसको ही ले लीजिए। चलो ये हमारा कोई गोला है हा? अगर मैं इसको ओरिजिन से ऊपर गुजारता हूँ, अगर ये गोला मेरा मूल बिंदु यानी जीरो 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 से ऊपर गुजर रहा है ओरिजिन से ऊपर गुजर रहा है हा? तो जाहिर सी बात है गुजर रहा है तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो जीरो 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 अगर मैं इस वैल्यू पर पुट कर दो इक्वेशन थ्री पर पुट कर दो तो फाइनली मेरा आएगा क्या डी बराबर जीरो ही तो आएगा,
अब बी बराबर जीरो आएगा तो जब भी किसी इक्वेशन में, जब भी कोई हमको जनरल इक्वेशन दी होगी, अगर उसमें कॉन्स्टेंट टर्म ना हो, बाकी एक्स स्क्वायर का टर्म हो, एक्स का टर्म हो, लेकिन कॉन्स्टेंट वाई का टर्म हो, वाई स्क्वायर का हो, जेड का हो, जेड स्क्वायर का हो, लेकिन कॉन्स्टेंट टर्म ना हो, तो डायरेक्टली समझ जाना कि ये जो हमारा स्फेयर है ये ओरिजिन से होकर गुजर रहा है। और या फिर दूसरी चीज शब्दों में अगर मैं बात करूं कि अगर कोई स्फेयर ओरिजिन से होकर गुजर रहा है, तो अगर मैं इसको इस क्वेश्चन को क्या लिखूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू बी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड, बस इतना लिखूं, प्लस डी बराबर जीरो ना लिखूं, प्लस डी वाली टर्म को हटा दूं, बस इतना ही लिख के जीरो कर दूं प्लस डी को, या फिर जीरो कर दूं, तो जो मेरी इक्वेशन होगी तुम समझ जाना कि वो ओरिजिन से होकर गुजर रहा है। अब हम फिर से वही आते हैं क्वेश्चन पर, ठीक हो गया। अब देखो प्लेन हमारा एबीसी से गुजर रहा था तो इक्वेशन वन उसकी इक्वेशन हो गई, ठीक हो गया, इसको सेटिस्फाइड कर रहा था। अब माना बिंदु ओ जीरो जीरो से गुजरने वाले गोले का समीकरण, यहाँ पर जो इक्वेशन दो ली है उसमें इसने प्लस डी बराबर जीरो नहीं लिया हुआ है। क्यों नहीं लिया हुआ है ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जिस इक्वेशन में कॉन्स्टेंट टर्म ना हो वो जो स्फीयर है वो हमारा ओरिजिन से ऊपर गुजरता है। अब ठीक है, अब यहाँ देखो, यदि गोला बिंदु ए बी सी से गुजरता है, क्योंकि जो हमारा स्फीयर है वो ओ से तो गुजर ही रहा है, ओरिजिन ओ से तो गुजर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ए बी सी तीन पॉइंटों से क्यों होकर गुजर रहा है, तो अब उन तीन पॉइंटों से होकर गुजर रहा है तो उनकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है, उनकी वैल्यू हम इस इक्वेशन टू में पुट करेंगे तो हमारा हमारा क्या निकल जाएगा, क्या क्या रिलेशन निकल जाएंगे, यू बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, माइनस का अल्फा वाई टू, बी बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, बी बीटा वाई टू, बी यहाँ पर बी बराबर ही माइनस का बीटा वाई टू होगा, तो सही कर लीजिएगा, यहाँ पर गलत छपा हुआ है, वैसे ही डब्ल्यू बराबर क्या निकल जाएगा हमारा, माइनस का गामा वाई टू, ठीक हो गया। अब यू बी डब्ल्यू के मान फिर हम इक्वेशन टू पर फिर रख देंगे, क्योंकि हमने इनकी वैल्यू अब हमको मिल चुकी है, ठीक हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का अल्फा एक्स माइनस का बीटा वाई माइनस का गामा जेड इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक हो गया। जो अब ये जो इक्वेशन थ्री है ये क्या हो गई हमारी, उस गोले की इक्वेशन हो गई जो एक तो मूल बिंदु से होकर गुजर रही, सेंटर जीरो जीरो कॉमा जीरो से होकर गुजर रही है, ठीक हो गया, और तीन पॉइंट और जो दे रखे उनसे भी होकर गुजर रही है एबीसी, ठीक हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना। अब हमको क्या निकालना है, गोले का समीकरण तो हमारा निकल गया, अब इस गोले के हमको क्या निकालने हैं, केंद्रीय बिंदु निकालने हैं और रेडियस निकालनी है, सॉरी यहाँ पर हमको केंद्रीय बिंदु निकालने हैं, हमको जो रिलेशन उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन में वो निकालना है, ठीक हो गया। यदि अब हम क्या होगा, यदि एफ जी एच गोले थ्री के केंद्र के निर्देशांक, जो हमारा इक्वेशन थ्री है, इस गोले के केंद्र के निर्देशांक मैंने मान लिए एफ कॉमा जी कॉमा एच है, कुछ ना कुछ तो होंगे, हमने एफ कॉमा जी कॉमा एच इसके केंद्र के निर्देशांक मान लिए हैं, तो और क्योंकि हमको गोले की इक्वेशन पता है तो हम डायरेक्टली यहाँ से केंद्र के निर्देशांक जो होंगे एफ और जी और एच की वैल्यू क्या क्या होगी हम डायरेक्टली बता सकते हैं, क्या होगी, हाँ जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू बी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड से कंपेयर करेंगे तो यू की वैल्यू, तो एफ बराबर क्या जाएगा, केंद्र के निर्देशांक होते क्या थे, क्या होते थे, माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू, तो होते थे माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू होते थे, उन्हीं को यहाँ पर इसने एफ जी एच कह रखा है, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा अल्फा वाई टू, जी बराबर क्या आ जाएगा बीटा वाई टू, एच बराबर हमारा क्या आ जाएगा गामा वाई टू, ठीक हो गया। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमने निकाल दी, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू एफ जी एच के टर्म में हमने निकाल दिया, हाँ उसको निकाल दिया, और जो इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्वेशन वन जो मानी थी वहां पर हमने पुट कर दिया, जैसे ही हम वहां पर पुट करेंगे जो हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन जो उसने पूछा हुआ है क्वेश्चन में वो हमारा आ जाएगा। आई होप आपको आ गया होगा, किसी को नहीं आया तो अभी दोबारा पूछ दो, किसी को कुछ और पूछना है तो इसमें यहाँ पर ये कैसे हुआ या वो कैसे हुआ, हेलो किसी को पूछना है तो बता दीजिए। हेडफोन ऑफ करिए,
हेलो क्यों हो गया, आगे चलते आगे बढ़ते एक चीज मैं आपके जो आपका चैट बॉक्स है मैं यहाँ पर आपका अटेंडेंस का गूगल फॉर्म डाल देता हूँ, लिंक भेज देता हूँ, आप लोग यहाँ उसको गूगल फॉर्म को आज के अटेंडेंस को फिल कर दीजिए, इसमें मैं आपके चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। हो गया, दो मिनट इंतजार कीजिए। मैंने आपके चैट बॉक्स में जो अटेंडेंस शीट गूगल फॉर्म है वो डाल दिया है। आप सभी को मिल गया होगा ये आज के अटेंडेंस, इसमें फिल कर दीजिएगा जो भी स्टूडेंट है आप लोग, इसको ध्यान से सुनिए। आपको मेरे चैट बॉक्स में गूगल फॉर्म डाल दिया, अटेंडेंस का गूगल फॉर्म डाल दिया हुआ है, इसको आप फिल कर दीजिएगा। ठीक हो गया, अब हम दोबारा से यूनिट में चलते हैं। अब ये देखिए एग्जांपल थ्री। अचर त्रिज्या के का एक गोला मूल बिंदु से गुजरता है, कोई स्फीयर है हाँ, कॉन्स्टेंट रेडियस जो कि के दी हुई है और ओरिजिन से ऊपर ओरिजिन से पास होता है, एम निर्देशांक को ए बी सी पर काटता है। इसका जो फिगर बन जाएगा वो सेम वही होगा जो एग्जांपल टू का है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी के केंद्र का बिंदु पर क्या होगा, 9x² + 9 × x² + y² + z² = 4z². सेम चीज है ना, एक्सिस को एबीसी पर काटता है। तो हमने इक्वेशन स्फीयर की इक्वेशन क्या निकाल दी थी ना, पहले वाले में क्या आई थी स्फीयर की इक्वेशन, x² + y² + z² - ax - by - cz = 0 थी, क्योंकि देखो ये स्फीयर भी हमारा केंद्र से ऊपर गुजर रहा है, मूल बिंदु से ऊपर गुजर रहा है, 0 0 से ऊपर गुजर रहा है, तो यहाँ भी कॉन्स्टेंट हम नहीं है, वही है मतलब जो पहले वाला जो एग्जाम्पल वन है आधा तो वही है कि एबीसी से ऊपर गुजर रहा है, तो उसकी इक्वेशन भी यही होगी। क्यों हो गया, यह दिया गया है गोली की रेडियस हमको दी हुई है, क्या दी है के ना, अचर त्रिज्या के का एक गोला दिया हुआ है, यानी कि रेडियस हमको दी हुई है के, और रेडियस हमारी क्या निकल जाएगी, जो हमारा जो इक्वेशन x² + y² - ax - by - cz = 0 जो है इक्वेशन, जो स्फीयर की इक्वेशन आएगी उसकी रेडियस क्या निकल जाएगी, √a² कैसे निकालेंगे, क्या होती थी u² रेडियस क्या होती थी √u² + v² + w² - d होती थी, तो सेम d की वैल्यू तो 0 है, तो u² + v² + w² ना, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली √a² + b² + c² / 4। तो यहां से हमने इक्वेशन वन सॉल्व करके निकाल लेंगे, 4k² = a² + b² + c² = 2 हो जाएगा। ठीक हो गया, अब देखो क्या पूछा है हमको, हेलो हाँ जी सर बोलिए, हाँ बताओ क्या कह रहे हो, हाँ बताओ फॉर्मूला कौन सा लगा, कौन किस पे, वो k = √4। अच्छा k = √a² + b² + c² / 4 कैसा है कह रहे हो, देखो रेडियस हाँ रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, √u² + v² + w² - d होता था ना, यहाँ u v w कहाँ से निकालते थे, जो आपका इक्वेशन ऑफ स्फीयर होती थी वहां से निकालते थे। अब जो स्फीयर हमारा यहाँ पर हमारी गोले की इक्वेशन क्या है, x² + y² + z² - ax - by - cz = 0 आई है ना, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है यहाँ पर d क्योंकि ओरिजिन से ऊपर गुजरा है तो d तो यहाँ पर 0 है, जो मैंने अभी पहले भी क्वेश्चन में बताया था d हमारा क्यों 0 होगा करके,
तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, अगर हम जो इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी यहाँ पर माइनस ए बाई टू, वैसे v की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का b बाई टू, और w की u भी w w की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर माइनस का c बाई टू। अब रेडियस की इक्वेशन क्या होती थी, अंडर रूट u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस थ्री, डी तो जीरो हो गया, तो u की वैल्यू यहाँ से हम रख देंगे a बाई टू का होल स्क्वायर यानी कि स्क्वायर बाई फोर प्लस वैसे ही b बाई टू का होल स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर बाई फोर प्लस सी स्क्वायर बाई फोर, इन लोगों को जोड़ देंगे तो यही इक्वेशन वन आ जाएगी। अब आई होप आपको आ गया होगा। हाँ ठीक हो गया। अब यहाँ पर पूछा क्या हुआ है, क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी, सिद्ध कीजिए कि, एक तो आवाज ही हमने माइंड म्यूट करिए पहले तो इसका खुला हुआ है, अपना माइक म्यूट करिए। हाँ अब कुछ हमसे क्या प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी के केंद्रक, केंद्रक केंद्रक मतलब सेंट्रोइड, जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है एबीसी जो ट्रायंगल बन रहा है उसका सेंट्रोइड, उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं केंद्रक का बिंदु पद क्या होगा, ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है। जो भी इक्वेशन उसने दी हुई है वो हमको प्रूफ करना है। अब देखो अगर हमारा कोई ट्रायंगल है, इसको कॉपी में नोट कर लो, अगर जैसे हमारा कोई ट्रायंगल है, कोई भी हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, उसके हमारे शीर्षों के निर्देशांक यानी कि उनके उस ट्रायंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमको दिए हुए, शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं, जो भी दिए हुए। अब यहाँ पर हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है वो ए बी सी से गुजर रहा है और ए बी सी का कोऑर्डिनेट ये सेम जो इसको फिगर आएगा वो पहले वाले एग्जाम्पल का ही आएगा। वहां पर हमारा क्या था केंद्र, वहां पर जो ए बी सी के जो निर्देशांक थे क्या थे, अल्फा जीरो जीरो बीटा जीरो बीटा जीरो और जीरो जीरो गामा थे ए बी सी के निर्देशांक। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है उनके शीर्ष के निर्देशांक भी क्या हो जाएंगे, क्या क्या हो जाएंगे, अल्फा जीरो जीरो ए के निर्देशांक जो ए जो शीर्ष होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे अल्फा जीरो जीरो, वैसे जो बी जो शीर्ष मतलब जो ट्रायंगल का वर्टेक्स होगा, शीर्ष तो समझ रहे होंगे ना, जीरो बीटा जीरो होगा और वैसे सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे जीरो कॉमा जीरो कॉमा गामा। ठीक हो गया। अब जो अब बात आती है कि सेंट्रोइड कैसे निकाले, ट्रायंगल का सेंट्रोइड कैसे निकलता है, कोई अगर हमको कोई ट्रायंगल है उसके हमको शीर्ष पे निर्देशांक दिए हुए, कोई जैसे ट्रायंगल है उसके शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए तो उसका सेंट्रोइड निकलता है, उसका सेंट्रोइड कैसे निकलता है, जो उसके शीर्षों के निर्देशांक हैं, जैसे अगर यहाँ पर थ्री डायमेंशन में है तीन एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स टू वाई टू जेड टू एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री किसी ट्रायंगल एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक है तो उसका सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है, देख लीजिए x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई थ्री कॉमा ना कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन थ्री फिर कॉमा z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन थ्री। आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ, किसी ट्रायंगल जिसके हमको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उसका सेंट्रोइड क्या होगा, वो होता है उसके शीर्षों का उसके जो शीर्षों के जो हमारे वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं उनको जोड़ के अपॉन थ्री करते हैं ना, तो यहाँ पर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस जीरो अपॉन थ्री, वैसे ही बीटा बराबर क्या हो जाएगा जीरो प्लस बी प्लस जीरो अपॉन थ्री, वैसे ही गामा बराबर निकाल लेंगे, यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू वैल्यू निकाल लेंगे एबीसी की, और ये एबीसी की वैल्यू हम कहाँ पर पुट कर देंगे इक्वेशन वन पर। तो जो हमारा रिक्वायर्ड जो रिलेशन उसने पूछा हुआ है वो हमारा निकल जाएगा। ठीक हो गया। एग्जाम्पल फोर, एग्जाम्पल फोर में आते हैं, वो कह रहा है एक चर गोले के केंद्र का बिंदु पर ज्ञात करो जो मूल बिंदु से होकर गुजरता है, निर्देशांकों को ए बी सी तीन पॉइंट पर इस प्रकार मिलता है कि चतुष्फलक, चतुष्फलक मतलब होता है टेट्राहेड्रन, चतुष्फलक मतलब होता है टेट्राहेड्रन, चतुष्फलक ओ ए बी सी का आयतन स्थिर रहता है। ये हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, कोई गोला दिया हुआ है, हा? एक चर गोले के केंद्र का बिंदु पर ज्ञात करना है हमें, गोला हमारा क्या होता है मूल बिंदु से होकर गुजरता है,
निर्देशांकों को पॉइंट ए बी सी पर काटता है, हाँ, तो चतुष्फलक जो उससे उसके बाद जो चतुष्फलक बनेगा वो ए बी सी, उसका क्या दे रखा है, उसका आयतन भी स्थिर रहता है, ये भी बोल रहा है जो हमारा ना जो वही जो फिगर हमारा एग्जांपल वन में था वही फिगर ले लो, उसमें ओ ए बी सी देख लो, है वो एक टेट्राहेड्रन बनाएगा। मुझे पता नहीं आप लोगों ने टेट्राहेड्रन पहले कभी पढ़ा हुआ है ना, टेट्राहेड्रन क्या होता है, ऐसे मतलब थ्री डायमेंशनल ट्रायंगल समझ लो, जैसे प्रिज्म, आपने प्रिज्म देखा होगा ना, हाँ सेम प्रिज्म जो फिजिक्स में हम जो लैब में जो प्रिज्म होता था वो टेट्राहेड्रन का एग्जांपल है, वही होता है टेट्राहेड्रन। ठीक हो गया, तो ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखो सेम इसने माना कि बिंदु ए बी सी के निर्देशांक ए जीरो जीरो, जीरो बीटा जीरो, जीरो जीरो सी है। ठीक हो गया, क्योंकि ए बी सी क्या है, एक्सिस एक्सिस पर पॉइंट है, ए बी सी एक्स एक्सिस पर पॉइंट, ए एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, बी वाई एक्सिस पर पॉइंट है, सी जेड एक्सिस पर पॉइंट है, उनके कोऑर्डिनेट मैंने ए जीरो जीरो मान लिए, बी के कोऑर्डिनेट जीरो बी जीरो मान लिए, वैसे सी के कोऑर्डिनेट जीरो जीरो सी मान लिए। ठीक हो गया, अब जो स्फेयर स्फेयर की इक्वेशन हमने पहले पढ़ चुके हैं, कौन सा कैसे स्फेयर होना चाहिए, जो मूल बिंदु से होकर गुजरता है, अगर कोई स्फेयर मूल बिंदु से होकर गुजरता है तो वहां पर डी बराबर जीरो होता है, ये हमने पहले बता दिया है। तो स्फेयर की इक्वेशन क्या बन रही होगी, उस स्फेयर की इक्वेशन क्या बनेगी जो ए बी सी से होकर गुजरता है, क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस का बी वाई माइनस का सी जेड बराबर जीरो। वाई होगी, यहाँ पर तक तो आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी कि ये कैसे निकलता है, पिछले तीन एग्जाम्पल से ये यही समझा रहा हूँ। ठीक हो गया, माना गोला ओ ए बी सी के केंद्र के निर्देशांक एफ जी एच है। ठीक हो गया, गोले के केंद्र के निर्देशांक एफ जी एच है, होते क्या है, अगर कोई इक्वेशन हमको दी हुई है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस d बराबर 0 का कोई गोला दिया हुआ हो, कि केंद्र के निर्देशांक क्या होते थे, माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू। सिमिलरली इस इक्वेशन जो हमारे यहाँ पर गोला निकला, इसको हम कंपेयर करेंगे तो क्या निकलेगा, एफ बराबर एफ बराबर क्या निकल जाएगा, केंद्र के निर्देशांक ए बाई टू बी बाई टू सी बाई टू। ये बाई टू इसलिए हो रहा है क्योंकि जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक स्फीयर क्या होती थी, टू यू एक्स प्लस टू बी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड ना, वाली इक्वेशन को और यहाँ वाली इक्वेशन को, यहाँ वाली इक्वेशन मतलब जो यहाँ पर जो गोला की इक्वेशन जो निकली हुई है, इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे आपस में तो टू यू बराबर क्या आएगा, माइनस ए, टू बी बराबर क्या आएगा, माइनस का बी, टू डब्ल्यू बराबर क्या आएगा, माइनस का सी। तो टू यू बराबर जब माइनस का ए आया है ना, टू यू बराबर क्या आ जाएगा, ए बाई टू ही तो आएगा, यू बराबर क्या आ जाएगा, ए बाई टू ही तो आएगा। कॉपी पेन में अगर कर रहे होंगे तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, कॉपी पेन में अगर आप कर रहे होंगे तो इजीली समझ में आ जा रहा होगा। अब है एबीसी की वैल्यू, हमने एबीसी की वैल्यू हमने निकाल दी, अब दिया हमको चतुष्फलक की बात कर दी है, जो टेट्राहेड्रन बन रहा है उसका आयतन निकालना है। तो जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, कोई भी टेट्राहेड्रन समझ लो, अब यहाँ पर जैसे टेट्राहेड्रन इसका मतलब चार शीर्ष होंगे, चार शीर्ष यहाँ पर क्या क्या है, ओ ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट पता है, बी के कोऑर्डिनेट पता है, सी के कोऑर्डिनेट पता है, और ओ तो अपने आप में ओरिजिन है ही है। तो अगर अगर इस तरह का हमको चतुष्फलक दिया हो, उसका हमको अगर वॉल्यूम निकालना हो तो क्या होता है, हाँ क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो एक फॉर्मूला है, वन बाई सिक्स डिटरमिनेंट टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम क्या होता है, इसको लिख लीजिए वन बाई सिक्स, उसके बाद डिटरमिनेंट जो शीर्ष है, शीर्ष क्या क्या है, ओ ए बी सी के जो कोऑर्डिनेट है उनको हम यहाँ पर लिखते हैं, ओ के निर्देशांक क्या है, जीरो जीरो जीरो, और लास्ट में हमने एक लिखते हैं, डिटरमिनेंट बनाते वक्त शुरू में तो शीर्षों के निर्देशांक लिखते हैं, लास्ट में डिटरमिनेंट को पूरा फोर बाई फोर का डिटरमिनेंट बनाने के लिए एक लिख देते हैं। वैसे ए जीरो जीरो एक, बी के कोऑर्डिनेट क्या थे, जीरो बी जीरो, जीरो बी जीरो लिखो लास्ट में एक, फिर सी के कोऑर्डिनेट क्या होते थे, जीरो जीरो सी कॉमा, सॉरी कॉमा नहीं, जीरो जीरो सी और डिटरमिनेंट एक, यहाँ पर एक लिख दिया। ये आपको टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम अगर आपने पढ़ा होगा क्या होता है, को उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सेम ऐसे निकालते हैं, शीर्षों के कोऑर्डिनेट होते हैं, वन बाई सिक्स
और डिटरमिनेंट में हम लास्ट में एक 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 लिख देते हैं, क्योंकि हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। जब हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, जब हम 4/4 के 4/4 के डिटरमिनेंट को जब हम सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट मतलब आदमी ना कुछ, तो हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ए बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 6k। ए बी सी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 6k। ठीक हो गया। एबीसी पर हमने, क्योंकि हमने सेंटर गोल, जो हमारा गोला बन रहा था वो एबीसी, उसके सेंटर के हमने कोऑर्डिनेट क्या माने थे, एफजीएच ना। एबीसी और एफजीएच में हमने रिलेशन पहले निकाल दिया हुआ है, तो एबीसी की जगह एफजीएच रख देंगे। क्यों? क्योंकि हमें केंद्र का बिंदु, उसके केंद्र का बिंदु पथ निकालना है, कि मतलब जो उसका सेंटर है वो किस तरीके से मूव कर रहा होगा। मतलब जो सेंटर होता क्या, सेंटर सेंटर के कोऑर्डिनेट हमने क्या माने, एफ जी एच, बिंदु पद निकालना है ना हमने, मतलब लोकस निकालना है। एफ सेंटर के कोऑर्डिनेट होते थे एफ जी, यहाँ पर मान, इस क्वेश्चन में हमने माने एफ जी एच, तो इसका हमने बिंदु पद निकालना है का मतलब क्या होता था, है कि हमको सेंटर के जो तीन कोऑर्डिनेट है ना एफ जी एच, इसमें रिलेशन बताना है, इसमें रिलेशन बताना है। अब देखिए एबीसी बराबर एबीसी और एबी, सेंटर हमने एफ जी एच माना था, एफ जी एच और ए और बी सी में रिलेशन हमने ऊपर निकाल दिया हुआ है। एबीसी बराबर हमारा माइनस का 6k आया है। यहाँ पर k हमने क्यों माना है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आयतन स्थिर है, स्थिर है मतलब कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है मतलब हमने कोई कॉन्स्टेंट टर्म के हमने यहाँ पर क्या मान लिया है k, इसलिए हमने यहाँ पर k लिखा है 1/6 जो डिटरमिनेंट हमने बनाया था इक्वल टू, हमने k इसलिए लिखा है क्योंकि हमको आयतन स्थिर है क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद एबीसी बराबर माइनस 6k आया। ABC और FGH में हमारा रिलेशन हमको पता है, A बराबर 2F है करके, वैसे ही D बराबर 2G है, C बराबर 2H है, हमने ऊपर निकाल रखा है, उन सब की वैल्यू हमने निकाल दी, तो FGH बराबर हमारा क्या आया, माइनस का 3/4K आया। और ये 3 भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, तो 3/4 भी कांस्टेंट है। K भी हमने जो वॉल्यूम, K हमारा क्या था, यहाँ पर वॉल्यूम था टेट्राहेड्रन का, वो भी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कांस्टेंट है। जब हम दो कांस्टेंट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं वो भी एक कांस्टेंट आता है, तो हमने कांस्टेंट आता है तो हमने उसको कोई एक कांस्टेंट, नया कांस्टेंट मान लिया लैम्डा। यहाँ पर कंफ्यूज हो चुका, लैम्डा जो लिख दिया ये भी लिख दिया, सब कांस्टेंट हमने लैम्डा मान लिया, कि हम बार बार 3/4 कहाँ लिखे ना, तो हम क्योंकि सब चीज कांस्टेंट, तो हमने फाइनली एक कांस्टेंट अलग कांस्टेंट मान लिया, गुणा जो भी सारे कांस्टेंटों का गुणा करके जो भी आ रहा है लैम्डा कहते हैं। अब देखो गोले के सेंटर क्या थे, एफ जी एच, गोले के सेंटर का हमको बिंदु पथ बताना है कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमको बिंदु पथ बताना है। बिंदु पथ मतलब बिंदु के जो कोऑर्डिनेट होते हैं एफ जी एच, उसमें रिलेशन बताना है। एफ जी एच में हमारा रिलेशन क्या आ गया है, कि एफ जी एच बराबर हमारा इक्वल टू लैम्डा आ गया है, लैम्डा मतलब कुछ कॉन्स्टेंट आ गया है। तो कहने का मतलब क्या है, कि जो उसके कोऑर्डिनेट एफ जी एच में जो रिलेशन था हमारा लैम्डा आ गया है, तो हमारा केंद्र का बिंदु पथ क्या आ गया है, केंद्र का बिंदु पथ ही क्या आ गया है, एफ जी एच बराबर लैम्डा। अब यहाँ पर इसने लास्ट में क्या लिखा हुआ है, अर्थात चर गोले ओ ए बी सी के केंद्र का अभिष्ट का बिंदु पर एफ जी एक्स वाई जेड बराबर लैम्डा होगा कह रहा है। क्यों कर दिया है, देखो केंद्र के निशान तो एफ जी एच बराबर एफ जी एच थे, उनमें रिलेशन आ गया एफ जी एच बराबर लैम्डा ना। अब उनको हम एक्स एक्स, अब उनको मैं जनरलाइज लिख रहा हूँ, क्योंकि हम जनरल, जब हम कोई जनरल इक्वेशन को नहीं कहते तो एक्स वाई जेड में बात करते हैं। कोई जब बिंदु को हम कह रहे हैं कोई पॉइंट गुजर रहा है, उसका जैसे कोई पॉइंट यहाँ से ऐसे ऐसे चल रहा है, तो उसका बिंदु पथ कहते हैं। तो हम कोई भी इक्वेशन जिस टाइप की आती है, तो हमारा बिंदु पथ जो भी हमारी इक्वेशन आती है वो एक्स वाई जेड में कोई रिलेशन आएगी। तो सेम लाइक दैट हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, एफ जी एच के बदले क्या लिख दिया है, बिंदु पथ को मतलब इक्वेशन की फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या कह दिया, एक्स वाई जेड इक्वल टू लैम्डा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। हेलो, आ रहा है समझ में? हाँ जी सर। अब जो पांचवा जो एग्जांपल है, उस गोले का समीकरण याद कीजिए जिसकी त्रिज्या, जिसकी जिसकी रेडियस केंद्र एक्स अक्ष पर हो, जिसका सेंटर एक्स अक्ष पर हो, ठीक हो गया। और क्या दिया हुआ है, सेंटर एक्स अक्ष पर हो और मूल बिंदु से गुजरता हो, और मूल बिंदु से गुजरता हो, ठीक हो गया।
अब उसका सेंटर एक्स एक्सिस पर हो और मूल बिंदु से होकर गुजरता हो, मतलब गोले का जो बाहरी आवरण है वो उसका जो बाहर जो जो भी हमारी बॉल है, जो गोले का जो बाहरी आवरण है उसका कोई ना कोई पॉइंट ओरिजिन से चिपका हुआ हो, तभी तो हमारा हम कहेंगे कि जो हमारा गोला है वो मूल बिंदु से होकर गुजर रहा है, उसका कोई ना कोई पॉइंट उस एक्स ओरिजिन पर से मिलता हो, मतलब वहां पर टच होता हो। दूसरा एक कंडीशन दूसरी हमारी क्या दी हुई है, जो भी जो गोले का रेडियस है वो एक्स एक्सिस पर दिया हुआ है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई बराबर जीरो जेड बराबर जीरो, इसका मतलब एक्स बराबर कुछ ना कुछ होगा, एक्स बराबर कुछ ना कुछ होगा और वाई की वैल्यू जीरो होगी और जेड की वैल्यू जीरो होगी। हम तो अतः यहाँ पर हमने इसने सॉल्व कैसे किया है, उस गोले का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या आर हो। अब एक चीज बताओ, अब एक चीज बताओ, अब आप कॉपी में 3 डायमेंशन में एक गोला ऐसा खींचो जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पर हो और जिसका और जो गोला ओरिजिन से भी होकर गुजरता हो, तो आपको क्या दिखेगा, जो आप उसके रेडियस है एक्स एक्सिस पर किसी पॉइंट पर उसका तो सेंटर होना चाहिए। हो गया, मैंने मान लिया एक्स एक्सिस पर उसका सेंटर क्या है, ए कोमा ए जीरो जीरो मान लिया, चलो ए जीरो जीरो मान लिया, तो इसका मतलब एक्स ए कौन सी लेंथ हो गई, ओरिजिन से लेकर उस एक्स एक्सिस जहां पर जो पॉइंट माना है वहां तक की डिस्टेंस ए हो गई, वहां पर की डिस्टेंस क्या होगी, ए होगी, और वही तो रेडियस का काम भी करेगा, वही डिस्टेंस हमारी रेडियस का भी काम करेगी, समझ रहे हो। अब इस क्वेश्चन में इसने उस गोले के केंद्र का निर्देशांक, जैसे इसने यहाँ पर मैंने यहाँ पर आर ए कह रखा है आपसे ए लो, लेकिन इसने क्या ले रखा है, आर ले रखा है, सेम चीज वहीं पर है, अगर उसी एक्स एक्सिस पर अगर कोई गोला आर कोमा जीरो जीरो पर उसका सेंटर है और जो गोले का बाहरी जो पॉइंट है कोई ना कोई जीरो जीरो कोमा जीरो पर टच हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी रेडियस को होगी जो डिस्टेंस है वो आर ही होगी, गोले की रेडियस जो अगर गोले के केंद्र का निर्देशांक आर कोमा जीरो है तो इसका मतलब उस गोले की रेडियस भी आर ही होगी। यहाँ पर इसने एक चीज और ले रखी, प्लस माइनस ले रखा है, देखो एक्स एक्सिस पर उसने मान, एक्स एक्सिस तो देखो जीरो से एक्स तक भी चलती है और जीरो से माइनस एक्स भी चलती है ना, अगर वो गोला इधर की साइड हो जाए, जैसे हम गोला बना रहे हैं एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस को इधर की साइड बना रहे हैं ना, जो भी थोड़ा ही है कि गोला उधर की साइड भी हो सकता है, कंडीशन वही रहेगी, सेंटर जीरो सेंटर माइनस माइनस एक्स एक्सिस पर क्या लेते हैं, सेंटर क्या होगा माइनस आर कोमा जीरो कोमा जीरो होगा और रेडियस क्या होगी, वो रेडियस क्या होगी, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहती है, रेडियस आर ही रहेगी ना, तो इसलिए हम यहाँ पर केंद्र का निर्देशांक प्लस माइनस आर कॉमा जीरो कॉमा जीरो दिए हुए ना, इसमें कंफ्यूजन मत करना, क्योंकि तो गोला जरूरी नहीं है इधर की साइड ही बनाओ, उधर पीछे की साइड बना सकते हैं, कंडीशन तो वो भी फॉलो ही फुलफिल कर रहा है जैसे उसने कह रखा है, ठीक हो गया। तो हम जानते हैं क्या गोले की इक्वेशन क्या होती है, जो किसी पॉइंट से होकर गुजरती है एबीसी से, एक्स माइनस ए का स्क्वायर वाई प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर। अब यहाँ देखो जो रेडियस है तो साइन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो का होल स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर, और क्योंकि जो रेडियस है वही जो सेंटर है, जैसे आर कोमा जीरो अगर सेंटर है तो रेडियस भी कितनी है, आर ही है, तो यहाँ पर इसने इसलिए यहाँ पर इसने आर स्क्वायर ले रखा है। तो इसको हम जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको तो इसने फाइनल इक्वेशन बनाई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पर प्रिंटिंग हो रखी है जीरो लिखा है इसने, जेड स्क्वायर होगा प्लस माइनस टू आर एक्स बराबर जीरो ही होगा, आई होप आपको सॉल्व में आ रहा होगा। इससे आगे का आप सभी लोग इससे आगे का हम अब अगले जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें पढ़ेंगे।